Hi, my name is Junaid Khan. Please keep watching Aadat only on TV1. मेरी चाहत तेरी राहत मुझ पे तुम इनायत हो अपने रंग में मुझको रंग लो मेरे सारे सपने सच कर दो तू मोहब्बत तू ही आदत इनायत हो अगले शॉट में जब यहाँ पे मूव करवा फ्रेम ये सारा होगा। आज़ा, एक बात कहनी थी। बोले यार, ये कॉन्सेप्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब लड़की को झूले में होना चाहिए था और लड़के को, एक सजेशन है मेरी, अगर लड़की को झूले में बिठा दें और लड़का उसे झूला दे तो कैसा रहेगा? आपको इसके लिए परेशान रहने की जरूरत नहीं है, ये काम डायरेक्टर का है। पता है मुझे ही डायरेक्टर का काम है, लेकिन आज़ाद मैं भी मॉडलिंग कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ। सब टीम वर्क होता है ना, स्क्रीन पे अच्छा नजर आता है तो सबके करियर को फायदा होगा। टीम वर्क का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करें, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। क्या हो गया आज़ाद, बिलावजह इतना रूठ क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा काम करने दें आप। क्या हुआ? आज़र, तुम इंसल्ट कर रहे हो। नहीं करना मुझे ये काम, जा रहा हूं मैं। अली अली रुके, आप मेरी बात, मुझे कोई बात नहीं सुननी। इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं अपनी। मुझे आपकी कंपनी के साथ काम ही नहीं करना, बस जा रहा हूं मैं। ये छोटी सी बात पे नाराज होकर जाने का क्या फायदा? मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। मैडम, बहुत काम है मेरे पास, बहुत ऑफर्स हैं, मार्केट में इन हूँ मैं। होगा बड़ा डायरेक्टर, लेकिन बात करने की तमीज होनी चाहिए उसे। कैमरामैन, स्पॉट बॉय, सबके सब मौजूद हैं, सबके सामने बदतमीजी कर रहा है वो। और क्या कहा था मैंने, सिर्फ एक आइडिया दिया था। अजीब सा लग रहा था कि लड़की लड़के को झूला दे रही है। अरे स्क्रीन पर हमको नजर आना होता है, लोग हमें देखते हैं, मजाक भी हमारा ही बनता है। अगर आप इतने कॉन्शियस थे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट सुन लेते। और आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि एक बचकाना शूट हो रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी में, सबसे बड़ा नाम है आज़र। होगा बड़ा नाम, लेकिन बात करने की तमीज भी होती है उसको। फकत मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया था, उसने सबके सामने बदतमीजी की मेरे साथ। सच बताऊं मैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये ऐड करूं। देखें, आपने डायरेक्टर को मशवरा दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? तो ये बात वो आराम से भी कर सकता था ना। ठीक है, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, आपको जाना है ना, आप चले जाएं। लेकिन अब लीगल बात होगी और जितना भी नुकसान हुआ है ना वो आप भरेंगे। लीगल नोटिस भेजने के बाद सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे हम, फिर कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, जो सुलूक उसने मेरे साथ किया वो ठीक किया? आपने कॉन्ट्रैक्ट सही से पढ़ा था, उसके मुताबिक आपका हक बनता है कि आप डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर करें।
ओके, मैं सिर्फ आपकी वजह से अपना फैसला तब्दील कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। देखें देखें, जो आर्गुमेंट हुई सबके सामने हुई, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। उसको कहें जैसे मैंने कहा था, सिर्फ एक सीन वैसा शूट कर लें, चाहे उसके बाद वो ना लगा। प्लीज़ कुछ मेरी इज्जत का ख्याल करें ना। ओके, आई विल ट्राई। अगस्त पूरा, सितंबर चल रहा है। बाबा आज पूरा 1.5 महीना हो गया आजर भाई की नई नौकरी का, माशाल्लाह। अरे कामी, उसकी तो हर नौकरी ही नई रहती है, पुरानी होने की तो नौबत ही नहीं आती। क्या समझे, कुछ भरोसा नहीं उसका, अजीब मिजाज पाया। ठीक ही तो करते हैं आजर भाई, क्यों किसी की गलत बात सुने। इतने बड़े डायरेक्टर हैं, नौकरियों की कमी थोड़ी है उनके लिए शहर में। अगर वो इसी तरह नौकरियां बदलता रहा ना तो कमी भी वाकई हो जाएगी, देख लेना। हमेशा तो इस तरह नहीं करेंगे ना आजर भाई, इस बार बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। दिल लगा ही रहे उसका तो अच्छा है, बल्कि अब तो मेरी दुआ है कि कहीं दिल लगा ही ले। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, काफ़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। आज़र, क्लाइंट्स बहुत एक्साइटेड हैं अपना ऐड देखने के लिए। आज़र साहब का नाम तो इस फील्ड में माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका नाम ही कामयाबी की जमानत है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, 100% एग्रीड। थैंक यू वेरी मच, लेकिन बेहतरी होगा कि अपने कॉम्प्लीमेंट्स आप ऐड देखने के बाद दीजिए, ताकि सच्चे भी लगे। जी हाँ जी, क्यों नहीं, असल में ये हमारी कंपनी का पहला इश्तिहार है और हमें काफ़ी खुशी हो रही है। आप दिखाइए ना आपने क्या बनाया है। मास, लाइट्स ऑफ, प्ले। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ये बताओ जैसा आपको अभी कितना टाइम है। मैम 4 मिनट हार्डली। वाह 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 वाह, क्या एड बनाया है। यकीन जाने आजर साहब, ये क्रीम मार्केट में राज करेगी, राज, आप देख लीजिएगा। और खास तौर पर वो जो आखिरी पंच लाइन है ना, किस्मत बदलने का इंतजार न कर, वो तो ऐसी लाइन है कि मेरे दिल को छूती है। जाहिर सी बात है, आपकी अपनी फरमाइश पे लाइन रखी गई है, वो आपको पसंद तो आएगी। सलमान साहब, आपसे बात कर सकता हूँ। आपने वही किया ना जो कि मैंने आपको करने से मना किया था, एक सस्ती ओवर यूज लाइन ऐड करके मेरा सारा कॉन्सेप्ट खराब कर दिया आपने। देखो मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, तुम्हारे इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट के सामने कोई हैसियत नहीं है उसकी। तुमने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरत शूट किया आज़र। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल जीरो कर दिया। एक रोमांटिक फील वाली लाइन को आपने किस्मत बदलने वाली लाइन में बना दिया। आई एम सॉरी, लेकिन हम साथ नहीं चल सकते। देखो आज़र, मेरी बात सुनो, करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं वो हमें, और ये सारा पैसा मेरे अकेले का नहीं है, मैं तुम्हें इसमें बराबर का शेयर देने को तैयार हूँ। इतने इमोशनल मत हो, करोड़ रुपया कम नहीं होता। अपने करोड़ों रुपए अपने पास रखिए सलमान साहब, मेरे इमोशंस की कीमत आपके पैसों से कहीं ज्यादा है। बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, द क्लाइंट इज नॉट पेइंग अस फॉर आवर इमोशंस। अगर एक लाइन के इजाफे से क्लाइंट खुश हो जाता है तो व्हाई नॉट। ये तरीका तो सारी एजेंसीज अपना रही हैं, मेरा कॉन्सेप्ट सबसे मुख्तलिफ था। ऑलराइट, नजर, आई विल जस्ट मेक श्योर कि आइंदा ऐसा नहीं। I'll make sure हम कभी साथ काम ना करें। Thank you. मैं
इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या लिखा है इन मैसेजेस में? अम्मी, शादी के ड्रेस का रंग भी नीला होगा, अम्मी से कह चुका हूँ। अम्मी, अम्मी इसको कहें कि मेरा मोबाइल वापस करें। अम्मी, मेरा मोबाइल। ये तो अच्छा हो गया कि ब्लू कलर का ड्रेस है, मेरे फिरोजे का सेट कितना अच्छा लगेगा। अम्मी आप तो और सुनिए, आगे बहुत कुछ लिखा है अम्मी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने आगे पढ़ा हो तो मीनाल। क्यों, ऐसा क्या लिखा है आगे जो मैं पढ़ नहीं सकती? हाँ, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अरे सबर से काम लो, दे रही हूँ। मीनाल, ये सारे SMS सरमत ने मुझे भेजे थे। दो मीनाल, रुको। वैसे सरमत भाई बड़े रोमांटिक निकले, ये तवक्को नहीं थी उनकी। या अल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मीनाल, वो भाई हैं तुम्हारे बड़े। मीनाल, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए रूमी, बहनों से हर चीज सीक्रेट शेयर किया जाता है, और तुम वो कितना परेशान हो रही हो? इतनी सी बात नहीं तुम्हें बर्दाश्त हो रही कि मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लूंगी? अरे हर बात तो तुम्हें पता है, लेकिन कुछ प्राइवेसी भी होती है मीनाल। इधर देखो, मैं इधर। छोटी बहन से कैसी प्राइवेसी? कोई प्राइवेसी शिवसी नहीं होती है। मीनाल, दे रही हो मेरा मोबाइल? मीनाल, अरे मीनाल। ओहो, अब तो वक्त तुम्हारे बगैर कटता नहीं, बहुत याद आती है तुम्हारी। मीनाल, मीनाल, खबरदार जो एक लफ्ज आगे पढ़ो तो। मीनाल, दे तो मेरा मोबाइल। मीनाल, समझ में आया कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? एक तो तुम अपने लंबे कट की वजह से ना फायदा उठा रही हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई ये जगह तुम लोग मिलके खेलने के लिए, अंदर जाके खेलो कमरे में। खेल नहीं रहे मामू, ये मेरा मोबाइल भी दे रही है। क्या करते हैं मामू आप, इतनी जोर से कोई गिरता है? नहीं। क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? चंद सेकंड की कमर्शियल के लिए तुमने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, बहुत बेवकूफी की है तुमने। जिंदगी में एक आध कॉम्प्रोमाइज करना कोई गुनाह नहीं होता। प्लीज, मेरा वैसे बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। वो तो हमेशा रहता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने कितनी जॉब्स छोड़ दी हैं, और मैंने भी तुम्हारे साथ। तो तुम्हें किसने कहा मेरे साथ जॉब छोड़ा करो? बल्कि अभी भी देर नहीं हुई, सलमान साहब तुम्हें बड़ी खुशी से दोबारा एक्सेप्ट कर सकते अपनी कंपनी में। हाजिर, जब तुम्हारे साथ आगे चल पड़ी हूँ तो पीछे मुड़ के क्या देखना? अब हम दोनों मिलकर जॉब ढूंढेंगे। पहले कभी अलग काम किया है जॉब करेंगे? इसलिए मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये लीजिए मामू, ये पी लें जल्दी से। अच्छा जल्दी पी लो, गरम गरम। एक तो मुझे गरम दूध पिया नहीं जाता, ऊपर से इसका इतना गंदा रंग। हाँ जी, इसमें हल्दी मिली हुई है, तुम्हारी चोट को आराम मिलेगा, जल्दी से पी लो। शाबाश। हाँ जी, तुमको क्यों हंसी आ रही है? इसको तो हमेशा मेरी चोटों पे हंसी आती है। तो आप हरकतें ऐसी करते हैं ना मामू? हरकतें? और नहीं तो क्या, भाग हम दोनों रहते चोट नहीं लग गई। अच्छा मामू, आप ये पी लें, बाद में हम डॉक्टर को भी दिखा देंगे एहतियातन। अच्छा, चोट इस तरह की है ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाया जाए, लेकिन इस तरह की चीज पी के जरूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट, अगर आपकी नजर में ये चिस्पे है ना, तो आई एम सॉरी, ये तो आपको नहीं मिलने वाला। देखो भांजी, ये ज्यादती है, तुमने हमेशा बुरे वक्त में मेरे साथ छोड़ा। हाँ, मैंने साथ छोड़ा? याद है उस दिन जब बहुत तेज बारिश हुई थी और अम्मी ने पकौड़े बनाए थे, किसने खाए थे सारे? एक नसीब नहीं हुआ था मुझे। मीनाल, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे तुम्हारी बराबरी का हो, और गाजी तुम्हें भी इन लोगों से लड़ने में बहुत मजा आता है। जाओ देखो किसका फोन आया। मामू ये तो गाजी, पियो गरम पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं रूमी बात कर रही हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, अब क्या मैं इतना भी नहीं पहचान सकती? खैर ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी घर पे हैं या कहीं लूट मार सेल में घर से बाहर तशरीफ ले गई हैं? अरे नहीं नहीं आंटी, अम्मी तो घर पर ही हैं, इतनी गर्मी में अम्मी कहाँ जाएंगी? आप जानती तो हैं कि अम्मी को बाजार के नाम से कितनी चिड़ है। हाँ अगर कुछ खास लेना होता है तो अम्मी शाम में ज़रूर जाती हैं। फिर मुख्तसर बात किया करो रूमी, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। मैं फिर अम्मी को बुलाती हूँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ को मेरा पैगाम दे देना बस। जी ठीक है भाई।
सारे मामला लड़के लड़की ने जो तय कर लिया आपस में। आप क्या यही बात करने के लिए आई हैं? नहीं, मैं कुछ और बात करने आई हूँ। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। क्या नैयर आप आ रही है? बहुत बुरी खबर लाई हो तुम रोमी। अरे बजने देती फोन को, एक तो न जाने तुम दोनों की अकल को क्या हो जाता। पहले मेरे पाँव में दर्द, अब उनके आने से मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाएगा। गाजी तुम इतनी बुरी शक्लें क्यों बना रहे हो? मेहमानों के आने से खुश हुआ जाता है। नैयर आपा के आने से सिर्फ वही खुश हो सकता है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। माई डियर मॉम, आप इस वक्त रूमी को भूल रहे हैं। देखे देखे जब से फोन आया है मुस्तकिल मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। और हो भी क्यों ना, आखिर सासू माँ जो है इनकी, इस बेवकूफ से ज्यादा इस वक्त और कोई खुश नहीं है। नैयर आपा के साइड इफेक्ट से वाकिफ नहीं है बेचारी, होने दो खुश। हम तो सिर्फ इसके लिए दुआ खैर ही मांग सकते हैं। सरमत को यही वालदा मिली थी, हद हो गई है। इंसान का अपना भी कोई स्टैंडर्ड होता है यार। अब ऐसी बुरी भी नहीं है बेचारी, तुम तो बिना वजह उनके पीछे पड़ जाते हो। बस जरा सी अंदाज की तो तेज है। बस अंदाज, पूरी की पूरी तीर अंदाज है वो, और उन्होंने वो तीर चलाए कि याद रखेगी। बुरी बात है। आज रात तो लगता है मैडम के ख्यालों में गुजर। आज़र भी हद करता है भाई, अच्छी से अच्छी जॉब छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा ना तो सारी जिंदगी ना खुद सेटल होगा और ना तुम्हें सेटल होने देगा। मम्मा आप नहीं समझेंगी, आज़र जो है ना वो आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करना उसके लिए नामुमकिन है, और वो उन लोगों जैसा तो बिल्कुल नहीं है जो हर कीमत पर अपनी जॉब बचाने की कोशिश करता है। ये सब कहने की बातें, अगर उस पर कोई जिम्मेदारी पड़ती ना तो फिर मैं देखती उसके कायदे और कानून कहाँ जाते। उसको तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि अहमद भाई जैसा शफीक बाप उसके सर पर है। खैर ये बताएं कि आज का क्या प्रोग्राम है आपका? शीरिन खान के पास लंच है, उसके बाद हमारी ग्रुप की मीटिंग भी। दरअसल इस साल जो बेसहारा लड़कियों की दरखास्तें आई ना शादियों के लिए, उनको डिस्कस करना है। तो यानी आज आप बहुत बिजी होंगे। ऐसा ही है। चले तो फिर रात में मुलाकात होती है। मुझे आज़र के साथ कहीं जाना है। Allow me to go. Allah Hafiz. Take care. You too. बाबा शायद आज भाई की छुट्टी है या फिर देर से ऑफिस जाएंगे। लेकिन मेरा अंदाजा कुछ और है कामी, अल्लाह करे गलत हो। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आ गए बेटा, लगता है सना ने सुबह सुबह जगा दी। बहुत रोब है उसका तुम पर। कैसी बातें करें बाबा, आपसे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? हाँ इसका तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आपकी जिंदगी में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। सारे का सारा टाइम आप ही का तो है बाबा। अच्छा लगता तो नहीं। सारा शर्मिंदा आज ही करना है आपने? नहीं नहीं कल परसों के लिए भी छोड़ देते हैं। मजाक कर रहा था, गपशप किए हुए काफी दिन हो गए ना। अगला पूरा हफ्ता आपके नाम, मैं चलूं? जाओ जीते रहो। खुदा हाफिज। आपकी चाय लेके जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई। अरे भाई हमारे कप तो दे जाए, बस ये दो ही बचे हैं। लगता है फिर चली गई। क्या चली गई?
अरे वही जो ज्यादा देर टिकती नहीं, जॉब। अच्छी तरह से सोच लो आजर, बहुत अच्छी जॉब थी ये। सलमान साहब बहुत कदर करते हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि तुम कोई डिमांड करोगे ना वो भी पूरी कर देंगे। फॉर गॉड सेक सना, दो घंटे से तुम ये बेकार बातें कर रही हो मेरे साथ, क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लेके आई थी? ये बेकार बातें नहीं है आजर, हर कोई बातों को अपने जाविये से देखता है। देखो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदगी के हर कदम पर तुम्हें कदरदान नहीं मिलेंगे। तुम्हें मेरी कदर है ना, बस काफी है मेरे लिए। एक तो तुम्हें समझाना ना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है, और ये सबसे मुश्किल तरीन काम तुमने अपने ही सर पे क्यों लिया हुआ है पता नहीं। आजर मेरी कल रात बहुत डिटेल में बात हुई है उनसे, दे डोंट वांट टू लूज यू। सुबह भी टेक्स्ट आया था उनका मुझे, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक मिनट। वेयर इज माय फोन? लगता है गाड़ी में भूल गई हूँ, मैं अभी लाती हूँ तुम्हें दिखाती हूँ, जस्ट वेट ओके। रूमी, वाह भाई बड़ी प्यारी लग रही हो, मैं तो पहचान ही नहीं थी, दिखाना। यार मेकअप तो बड़ा ही अच्छा आ गया है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं सिर्फ मेकअप की वजह से अच्छी लग रही हूँ? सच बताओ मनाल, बगैर मेकअप के क्या मैं बहुत बुरी लगती हूँ? ओहो बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर सरमद भाई आ जा रहे होते ना तो शादी की डेट जरूर लेके जाते ना। तुम्हें भी ना सिर्फ बातें बनानी आती हैं। अच्छा मैं जरा मम्मी को देख लूँ कि उन्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है। ठीक है मैं कल फिर आता हूँ, बाकी फॉर्मेलिटीज हम कल साइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज मी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप सना है? अगर तुम मुझे ना पहचानने की गलती करते ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करती कि तुम याद रखते, जान से मार देती मैं तुम्हें। वैसे खूबसूरत लड़कियों के मामले में मैं गलती नहीं करता, और वो भी तुम्हारे मामले में। खैर कैसी हो? और वो आयरन बोर्ड नहीं नजर आ रहा, वो कहाँ है? फरहान। आप जस्ट किडिंग मैन। चलो मिलवाती हूँ। सरमद और रूमी के निकाह को पूरे 2 साल गुजर गए, वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अल्लाह रहम करे ये नैयर आपा क्यों आ रहे, जरूर कोई खास बात होगी, तुम लिख के रखो। बहुत घबराहट हो रही है, अल्लाह रहम कर, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे। तुम मत फुलाएं अपने हाथ पांव को बाजी, और ये नैयर सुल्ताना बाजी को आपने अपने हवासों पे इतना क्यों तारीख कर रखा है? जस्ट इग्नोर इट, सिंपल। क्या हो गया है गाजी तुम? मैं बेटी की माँ हूँ, कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? कुछ लिहाज तो करना पड़ेगा ना। ले आ गई नैयर बाजी, जाके देखो तो सही। ये इतने अरसे से हमारे शहर में है और इसने हमें कांटेक्ट तक नहीं किया, देख रही तुम इसे? हाँ, और अगर मैं इसे पकड़ के ना लाती तो ये आने वाला नहीं था, बल्कि वहीं से चला जाता। फिर तो बेटा तुम मेरे हाथों कत्ल होते। अच्छा प्लीज आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बात सुनोगे तुम लोग? असल में पापा की तबीयत बहुत खराब थी तो उसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, बस ये कुछ दिन मैंने बड़ी मुश्किल की गुजारे। So sorry यार, तबीयत कैसी अंकल की? He's doing fine now. शुक्र है। चलो शुक्र है, लेकिन अफसोस है यार कि तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में तुम अकेले थे। It's totally fine यार, I guess it's part of life. लेकिन अब हम सब साथ रहेंगे क्योंकि मैं कैमरा से अपना बिजनेस वाइंड अप कर चुका हूँ और इधर सेटअप कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं अपने बिजनेस को सेटअप कर लूँ, उसके बाद आराम से अपने दोस्तों से मिलता रहूँगा। सो बेसिकली मैंने एक एड एजेंसी खोली। बहुत अच्छी बात है ना,
जिसमें हम टीवी कमर्शियल्स, कैंपेन्स वगैरह डिजाइन करेंगे। मजेदार काम है यार, तुम लोगों को तो पता ही है। लेकिन आज़र, मैं चाहता हूं कि तुम और सना मेरे साथ काम करो। अपनी इस चीज को सुन के इनकार मत करना यार। मुझे ये भी पता है कि तुम अगर मुझे ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब है कि सना भी मुझे ज्वाइन करेगी, और वैसे भी तुम दोनों अलग अलग काम तो करती नहीं। तुम्हें बड़ा पता है हमारे बारे में। मैं कुछ लोगों के बारे में पूरी खबर रखता हूँ, और वैसे भी आयरन बोर्ड के बगैर मैग्नेट तो किसी काम करेंगे। आयरन बोर्ड मैग्नेट, ये क्या चक्कर है? आज़र तुम प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ऐसी फजूल बातें करता रहता। फजूल बातें मेरी? जी जी प्लीज चाय पिया, छोड़ दें, चाय पिए चले। नहीं, शर्मा तो बहुत अच्छा सेटल हो गया है टोरंटो में। उसने अपना फ्लैट भी बदल लिया है और 75th फ्लोर पर लिया है उसने अपार्टमेंट। पूरे शहर का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आता है वहाँ से, मुझे दिखाया है उसने। तुम्हें भी दिखाया होगा रूमी जी? मुझे नहीं तो। अरे रोज़ तो तुम्हारी बात होती होगी। नहीं नहीं आंटी, बस कभी कभार बात होती है। अब जाहिर है तुम सच तो बोलोगी नहीं। अरे भाई गाजी, इस उम्र में कुछ खाने पीने का ख्याल रखा करो, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे वरना। अल्लाह ना करे नैयर आपा, अल्लाह गाजी को सेहत दे और लंबी उम्र दे। आमीन। और वो तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है मिनाल? उसको इतनी तमीज नहीं कि आके मुझे सलाम कर जाए? इतनी देर से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ। नहीं नहीं नैयर आंटी, वो चाय बना रही है, किचन में है, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। मेरे पास सराचा है यहाँ पर, केचप है, गार्लिक पेस्ट है, मेयो है, एग्स हैं, राइस फ्लावर है, पोटैटो स्टार्च है, स्वीट रेलिश है, मनाल पेपर पाउडर है। रोमी काली मिर्च, जान निकाल दी तुमने मेरी यार, कैसे दबे कदमों आती हो? लाल मिर्च, सॉल्ट, तुम क्या कर रही हो? मस्टर्ड हम यूज करेंगे। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? जिंगर की रेसिपी नोट कर रही हूँ, आज ही मामू के साथ मिलकर बनाऊंगी, डिनर पे तो मजा आ जाएगा। एक कप फ्लावर रखा हुआ है। तुम और मिलके बनाओगी या उन्हें बनाते हुए देखोगी? स्लाइस करके रखा हुआ। अच्छा यार तंग ना करो, बिजी हूँ मैं। और हमें चाहिए? मुझे भी शौक नहीं तुम्हें तंग करने का, तुम्हें सिर्फ बुलाने आई हूँ। नैयर आंटी आई है, तुम्हें बुला रही है। अब हम शुरू करते हैं। मुझे ये नैयर आंटी मुझे किस खुशी में बुला रही है? मेरे इल्म के मुताबिक वो सरमत भाई इकलौते बेटे हैं, और एक वक्त में दो बहनों से निकाह जायज नहीं होता। अरे अरे अरे, क्यों ऑल-फॉल बकरी हो तुम? इसीलिए चिढ़ती हूँ तुमसे कि कहो कुछ और जवाब कुछ, और खबरदार जो वहाँ कोई फालतू बात की हो तो। ये खूब है, सासू माँ आपकी और तमीज के मुजाहरे हम करें। अच्छा बस अब चलो। मेरा इकलौता बेटा है सरमत, उसको पढ़ाया लिखाया, नाज नखरे से पाला, अब अपने अरमान निकालने का वक्त आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अरे ऐसे तो ना कहें नैयर आपा, अल्लाह सरमत को सलामत रखे, ढेरों खुशियां देखेंगी आप उसकी इंशाल्लाह। अरे वो तो किस्मत वाले ही देखते हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं ढेरों लड़कियां देखूंगी और उसमें से एक बहू मुंतखब करूंगी जो कि हजारों में एक दिखती होगी, जिसके बाप के घर को देखकर मेरे खानदान वाले दबके रह जाएं। मगर ये छोटी सी खुशी भी पूरी ना हो सकी। भाई सारे मामला लड़के लड़की ने जो तय कर लिया आपस में। आप क्या यही बात करने के लिए आई हैं? नहीं, मैं कुछ और बात करने आई हूं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुमसे मैं ये बात कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम तक मेरी ये बात पहुंच जाए। Will you marry me, Sana? तू मोहब्बत, तू ही आदत, तू मोहब्बत, तू ही आदत। अच्छा सुनो तो सही मिनाल, देखो सलाम करना तमीज से, जो कहें वो सुन लेना, बहस शुरू मत कर देना। तुम्हें पता तो है ना कि जरा जरा सी बात पे वो कितना नाराज हो जाती हैं। छपी तो कह रही हूँ मुझे उनके सामने मत भेजो, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो। अब वैसे भी वो तुम्हारी सास है, मैं किस खुशी में उनके आगे पीछे फिरूँ? बददिमाग भी इतनी है।
अच्छा जा रही हूँ ना, ऐसे तो ना देखो। अच्छा सुनो, रेहान से सारी बात सुन लेना। मुझे लग रहा है कि वो शादी की डेट फिक्स करने आई है। 2-3 महीने में सरमद आने वाले ना शायद, इसलिए। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता। और एक और कहावत क्या है, बिल्ली को ख्वाब में एक ही चीज नजर आती है, चीचड़े। मिनाल चाय ठंडी हो रही है। जा रही हूँ। भाई हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज तो चाहिए नहीं। मैं तो खुद खिलाफ हूँ इन तमाम चीजों के। बहुत ही बुरा लगता है कि दुल्हन के साथ साथ ट्रक चला रहे जिसमें सुई धागे से लेकर देगचियां तक रखी हूँ और पेडेस्टल फैन। न जाने ये माँ बाप क्या चीजें जहेज के लिए जमा करते हैं। हमें तो ना टीवी चाहिए, ना फ्रिज, ना एसी। फिर भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुख्सत नहीं करेंगे ना हम। अरे खुदा ना करे, खाली हाथ तो फकीर भी अपनी बेटी को रुख्सत नहीं करते। मेरा मतलब तो ये है कि जब इसको यहाँ रहना ही नहीं है तो ये तमाम चीज़ें बेकार की हैं। पेडिस्टल फैन और पंखा, ये क्या है बेकार? उसे तो वो देना चाहिए जो इन दोनों के काम आए। अपा आप क्या चाहती हैं, जरा खुलकर बात करें। खुल के बता रही हूँ भाई, आजकल तो लड़के वाले क्या क्या मतालबात नहीं करते। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि लड़के के पास कैनेडियन नेशनैलिटी भी है। शादी होगी तो 5-स्टार में होगी। 5-स्टार होटल में? भाई हमारे यहाँ इतने मिलने वाले हैं और फिर सरमत के दोस्त ना जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं शादी में शिरकत के लिए। मेरी इज्जत का सवाल है। और तुमने कुछ तो पैसे जमा किए ही होंगे ना भाई? सरमत अभी स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट देख रहा है। बीवी को लेके जाएगा तो घर की जरूरत तो पड़ेगी ना उसे। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है, कोई छोटा मोटा सा फ्लैट ले ले। पापा आपने ये मशवरा तो बहुत अच्छा दिया, जरा इत्मीनान से रहेंगे वहाँ पे। यही तो भाई, मैं तो जो भी मशवरा दूंगी बच्चों की बेहतरी के लिए ही दूंगी। मैंने तो उससे कहा है कि जो भी कैश रूमी को जहेज में मिले वो उसका फ्लैट खरीद ले, और अगर कुछ कमी बेशी हो तो अपने पास से मिला लेगा। लेकिन नैयर आपा, हमारी तो ये हैसियत नहीं है कि हम कैनेडा में फ्लैट खरीद सकें। नैयर आपा, हमसे जो कुछ भी हो सका हम वो रूमी के लिए जरूर करेंगे, लेकिन जो आप सोच रही हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम कितना कोई कैश दे सकते हैं, और फिर 5-स्टार होटल में इस महंगाई में कैसे मुमकिन है? अरे रहने दो गाजी, कौन सा मैंने बंगले की बात की है जो तुम इतना घबरा गए? भाई छोटा मोटा कोई अपार्टमेंट ले लेंगे तो तुम्हारी बेटी ही सुकून से रहेगी ना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मेरी ससुराल बहुत पैसे वाली है, उन सब के सामने मुझे अपनी इज्जत बना के रखनी है। भाई लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू किसी खाते पीते घर से उठकर आई है। ये सब तो करना ही होगा। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसलिए कि मेरे बेटे को लड़कियों की तो कोई कमी है नहीं, एक इशारे की दे रहे सिर्फ। कैसी बात कर रही है नैयर आप? 2 साल हो गए दोनों के निकाह को, मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी, कसूर क्या है उसका? तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था आयशा, और बेटियों की माँ को तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए इन बातों के। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं ऐसी खाली खुली लड़की उठा के ले जाऊंगी यहाँ से? अरे पुरानी शादियां भी टूट जाती हैं, ये तो रोज के मामूल की बात है। नैयर आपा बात को मत बढ़ाए प्लीज। बात बढ़ चुकी है गाजी, अब तो खत्म करना बाकी है। नैयर आपा, नैयर आपा। अच्छा बाजी, अल्लाह बेहतर करे। नैयर आपा को तो आप जानती है। शबाजी, दिल छोटा मत कीजिए, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, सब बेहतर हो, सबसे बेहतरी हो। अम्मी सो गई?
दवा का असर है, वरना वो कहाँ इतना जल्दी सोने वाली है। तकलीफ रोई जा रही है, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, आशा बाजी की तबीयत ठीक हो जाएगी एक दो दिन में। रात काफी हो चुकी है बेटा, जाके सो जा। सब क्या हो रहा है? नहीं यार आंटी, इतना बदल क्यों गई हैं? वो ऐसी तो नहीं थी। वो ऐसी ही थी हमेशा से बेटा। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग अचानक बदल गए, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। हम ही देर में उनको पहचान पाते हैं। समझ में आई बेवा? अच्छा तुमने रोमी से कुछ कहा तो नहीं? अगर वो पूछे तो टाल दे। मैंने उससे कहा है सरमत भाई को छुट्टी नहीं मिल रही और इसी वजह से घर में सब बहुत परेशान है। बहुत अच्छा, चलो बेटा तुम जाके सो जाओ। अल्लाह करे सरमत भाई बिल्कुल वैसी ही हो जैसा रूमी उन्हें समझ रही है, क्योंकि अगर उसने अभी भी उन्हें नहीं पहचाना ना तो मामू बहुत बुरा हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा सब कुछ ठीक हो। शब बख़ैर। ऐसी क्या खास बात थी जिसको डिस्कस करने हम यहाँ आए? यार बहुत सी बात ऐसी बातें होती है जो इंसान खुद से करते हुए भी करता है, और हर ख्वाहिश पे आंख भी नहीं बंद की जा सकती। देखो बाहर लोग मुझे एक फ्लर्ट समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी मैं ऐसा इंसान नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अपने बारे में यूँ जस्टिफिकेशन देना बंद करो। मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुमसे मैं ये बात कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूँगा कि तुम तक मेरी ये बात पहुँच जाए। Will you marry me, sir? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? प्लीज एक बार मेरी बात पूरी तरह सुन लो, फिर बेशक तुम चली जाओ। तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान वापस किसके लिए आया? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बिजनेस तो मेरे लिए एक बहाना है। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, हालांकि मैं ये जानता था कि तुम्हारी आज़र के लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बेबस था यार। मेरा कभी दिल ही नहीं माना कि तुम्हारे अलावा कोई लड़की हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बने। प्लीज सना मुझे आज ये सब कुछ कहने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सब कुछ अनयूजुअल लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मेरी अब तक शादी ना होने की वजह सिर्फ तुम हो। पहले मुझे ये प्यार मोहब्बत सब बकवास लगता था, लेकिन फिर मैं तुमसे जब दूर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। मैं ये चाहता हूं कि तुम सना के बारे में संजीदगी से गौर करो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तू मोहब्बत
तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो तू मोहब्बत तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो मेरी चाहत तेरी राहत मुझ पे तुम इनायत हो अपने रंग में मुझको रंग लो मेरे सारे सपने सच कर दो तू मोहब्बत